Hey guys, welcome back to the channel. तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हर्षानी। तो भाई सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मैंने थोड़ी लाइटनिंग वाइटनिंग लगाई है ना कि भाई थोड़ी दिवाली फील्स आनी चाहिए। तो भाई जैसा आप जानते हैं कि आज की वीडियो का थंबनेल एंड टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्लासिक एस या फिर बुलेट एक्स हमें परचेज करने के लिए। तो भाई जब बुलेट एक्स का मेरा मतलब आ गया, उसके अंदर बुलेट एक्स एंड एक्स ए एस को मैं एक ही ले रहा हूँ एंड क्लासिक को एक ही ले रहा हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में हम दोनों बाइक की प्राइसिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस क्या क्या है ना आप लोगों को अच्छे समझाने वाला हूँ। एंड अगर आप अपनी बाइक दिवाली के टाइम पे परचेज करना चाह रहे हैं या फिर अभी इन दोनों परचेज करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए पूरा एंड तक एंड अपना डिसीजन सोच समझ के लीजिए। गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं दोनों बाइक्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज है बुलेट एक्स में एंड क्लासिक एस में। तो गाइस दोनों ही बाइक BS4 इंजन है, दोनों बाइक्स के अंदर BS4 इंजन दिया गया। BS6 इंजन दोनों बाइक में किसी में भी नहीं आया क्या अभी तक। सिंगल चैनल ABS है दोनों बाइक्स के अंदर। दोनों बाइक्स का एयर कूल्ड इंजन है। दोनों बाइक्स 19.8 BHP एंड 28 NM ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। बेसिकली दोनों बाइक्स का जो इंजन है ना टोटली सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं दिया गया दोनों बाइक के अंदर इंजन के मामले में। तो गाइस मेन डिफरेंस कहाँ पे आता है दोनों बाइक में, सबसे पहले मैं आप लोगों को डिफरेंस के बारे में समझाता हूँ। ये है कि क्लासिक के अंदर स्प्लिट सीट्स दी गई है, वहीं पे बुलेट एक्स के अंदर स्टैंडर्ड की तरह सिंगल सीट दी गई है। कई भाई लोगों को डबल सीट्स अच्छी लगती है क्योंकि देखने में थोड़ी अच्छी लगती है। कई भाइयों को जो रॉ लुक बाइक की पसंद है उनको बुलेट एक्स की सीट्स पसंद आती हैं। तो वैसे टोटली आपके ऊपर आपको कौन सी बाइक की सीट्स अच्छी लगती है। सेकेंडली जो मेन डिफरेंस है बाइक के अंदर वो ये है कि जो बुलेट एक्स है उसका टायर दोनों 19 इंचेस है, जिसकी वजह से जो रेयर टायर है ना बाइक का वो थोड़ा पतला है, तो जिसकी वजह से हम कभी भी कर्व्स में कटिंग ले रहे हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। वही दूसरी जगह पे क्लासिक एस का फ्रंट टायर 19 इंचेस का है एंड पीछे का जो रियर टायर है वो है आपका 18 इंचेस का, जिसकी वजह से बेटर रोड ग्रिप मिलती है। ऑब्वियसली अगर टायर छोटा एंड मोटा होगा तो ऑब्वियसली बेटर रोड ग्रिप आपको मिलेगी। एंड गाइस जो थर्ड मेन डिफरेंस आ रहा है बाइक के अंदर वो आ रहा है स्पीडोमीटर के अंदर। जो बुलेट एक्स का स्पीडोमीटर है वो थोड़ा ब्लैक में है, वही जो क्लासिक का स्पीडोमीटर है वो थोड़ा वाइट कलर के अंदर आ रहा है। तो गाइस ये है जो तीसरा मेन डिफरेंस है। एंड गाइज अब बात करते हैं फोर्थ डिफरेंस की, जो कि क्लासिक एस में रियर में दोनों बाइक्स की जो रियर लाइट्स हैं मींस बैक लाइट्स हैं उनके अंदर डिफरेंस है। आप देख सकते हैं क्लासिक एस की थोड़ी राउंड शेप में है, वहीं पे बुलेट एक्स की रॉ लुक में दी गई है थोड़ी स्टैंडर्ड की दी जाती है वैसी ही बिल्कुल सेम है। एंड क्लासिक एस में जैसी क्लासिक में दी जाती है बिल्कुल वैसी लाइट्स दी गई है। तो गाइज यही है वो चार डिफरेंसेस मेन जो है इन बाइक के अंदर। एंड गाइज अब बात करते हैं दोनों बाइक्स की प्राइसिंग की। तो बुलेट एक्स का जो प्राइस रखा गया है 1.47 to 1.48 lakhs पड़ती है वो ऑन रोड। वही क्लासिक एस जो है 1.68 to 1.7 पड़ती है, मींस दोनों बाइक के अंदर 20 to 22,000 rupees का फ़र्क है। जगह तो जगह 1-2,000 rupees का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेन जो डिफरेंस है वो हम 20,000 लेके चलते हैं। 20,000 rupees खर्चने के बाद आपको मिल रहा है मोटा टायर, लाइट्स डिफरेंट है, स्प्लिट सीट्स है एंड स्पीडोमीटर का कलर चेंज है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अलावा बाइक में और कोई भी चेंज नहीं है। अब गाइज अब मैं आपको अपना ओपिनियन दूँ कि आपको कौन सी बाइक परचेज करनी चाहिए, बुलेट एक्स परचेज करनी चाहिए या फिर क्लासिक एस परचेज करनी चाहिए। तो गाइज इसका सिंपल आंसर ना एक येस और एक नो नहीं हो सकता है। जैसा मैं आपको हर वीडियो में एक रीज़न देता हूँ ना कि यार इस बाइक के पीछे ये रीज़न है, इस चीज़ के पीछे ये रीज़न है, वैसे ही कौन सी बाइक परचेज करनी चाहिए इसके ऊपर भी एक अच्छा खासा रीज़न है, उसको आप लोग समझिए एंड देन अपना डिसीजन सोच समझ के लीजिए। गाइज देखिए जो भाई लोग बुलेट का शौक पूरा करना चाह रहे हैं या फिर इनको स्टैंडर्ड लेनी थी, जिनको असली में एक्स भी अच्छी लगती है, वो डेफिनेटली एक्स के लिए जाए, BS4 वेरिएंट के लिए आँख बंद करके जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वही अगर जिन भाइयों को क्लासिक लेनी है और वो सोच रहे हैं कि यार रॉयल एनफील्ड में क्लासिक एस आ गई है तो ये सस्ती हो गई है तो हमें इसके लिए जाना चाहिए, तो मैं आपको समझाता हूँ कि गाइस रॉयल एनफील्ड ने क्या स्ट्रैटेजी खेली यहाँ पे। कि रॉयल एनफील्ड है क्लासिक नॉर्मल वाली एंड रॉयल एनफील्ड क्लासिक एस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 7 to 8,000 rupees का ही डिफरेंस है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है उनकी और कुछ भी नहीं है कि रॉयल एनफील्ड सस्ती हो गई क्लासिक में भी। तो मेरा पर्सनली आपको ये सजेशन रहेगा कि अगर आपने एक्स लेनी है, ठीक है, अगर आपका बजट कम है और आपको पसंद भी है तो एक्स के लिए तो डेफिनेटली जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लेना चाहते हैं क्लासिक और क्लासिक एस आपको मिल रही है 7 to 8,000 कम में तो आप डेफिनेटली आप जाइए, अगर आप बजट कंस्ट्रेंट है, क्योंकि BS6 वेरियंट जब भी आएगा ना
वो थोड़ा बहुत महंगा होगा इसकी उम्मीद है। एंड गाइस सेकेंडली, अगर आपका बजट है, अगर आप क्लासिक एस ले रहे हैं, अच्छी बाइक है, कलर अच्छा है, मतलब ब्लैक कलर क्लासिक एस का डोप लगता है, बहुत प्यारा लगता है मुझे, ठीक है। तो लेकिन अगर आपका बजट है, आप सोच रहे कि यार मैं वेट भी कर सकता हूँ और मेरे को बुलेट एक्स नहीं लेनी है, मुझे क्लासिक ही लेनी है, तो अब मेरे हिसाब से BS6 वेरिएंट का वेट करिए अगर आप क्लासिक लेने की सोच रहे हैं। एंड इफ़ यू हैव द बजट, आप वेट करिए डेफिनेटली, क्योंकि इंजन थोड़ा रिफाइंड होगा, मैंने आपको बताई ये बात। कॉस्मेटिकली वो बाइक अच्छी बनाई भी जा सकती है, बुरी भी लग सकती है कई लोगों को, क्योंकि हो सकता है उसकी रेट्रो लुक थोड़ी सी चेंज हो जाए, अभी कन्फर्म नहीं है बिल्कुल भी। प्राइजिंग मे बी 10,000 to 15,000 रुपीज बढ़े। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ द होस्ट एंड दोस्त हर्ष सानी, बाय बाय। एंड जाने से पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंड गाइस 4,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए, आई होप जल्दी 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 10,000 भी क्रॉस करें, फिर अपना एक सेटअप बनाना बहुत प्यारा सा, ताकि आपको मैं अच्छी क्वालिटी दे पाऊँ, आपको देखने में अच्छा थोड़ा लगे, एंड ऑब्वियसली कंटेंट दे पाऊँ।